पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक चुनावी रैली के दौरान लोगों से उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के भैया को राज्य में प्रवेश न करने देने की बात कहकर विवाद खड़ा कर दिया है। सीएम चन्नी के विवादित बयान पर सियासी तूफान मच गया है। कई दलों के नेताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है और सीएम चन्नी के बयान को शर्मनाक बताते हुए माफी मांगने की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पंजाब के सीएम चन्नी के यूपी बिहार के भैया वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे से लड़ाती आई है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया वो पूरे देश ने सुना। अपने इन बयानों से सीएम चन्नी किसका अपमान कर रहे हैं? कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां उत्तर प्रदेश या बिहार के भाई बहन मेहनत ना करते हों। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कल ही हमने संत रविदास जी की जयंती मनाई है। संत रविदास उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, क्या चरणजीत सिंह चन्नी संत रविदास जी को भी पंजाब से निकाल देंगे? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? पटना साहिब बिहार में। क्या चरणजीत सिंह चन्नी गुरु गोविंद सिंह जी को भी पंजाब से निकाल देंगे? प्रधानमंत्री ने चरणजीत सिंह चन्नी के इस बयान को शर्मनाक करार दिया है। कांग्रेस हमेशा से एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे से लड़ाती रहती है ताकि उनकी गाड़ी चल जाए। ये कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री ने जो कल बयान दिया है और जिस पर ये दिल्ली का परिवार है उनका मालिक, वो बाजू बगल में खड़े रहकर के तालियां बजा रहा था, बताइए। और ये पूरे देश ने देखा है। अपने इन बयानों से ये लोग किसका अपमान कर रहे हैं? यहां का कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहन या हमारे के बिहार के भाई बहन यहां पर मेहनत ना करते हो। ऐसा कोई गांव नहीं होगा भाइयों। कल ही हमने संत रविदास जी की जयंती मनाई है, संत रविदास जी की जयंती मनाई है। मैं जरा इन नेताओं से पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए संत रविदास जी कहां पैदा हुए थे? क्या पंजाब में पैदा हुए थे? क्या संत रविदास जी उत्तर प्रदेश के बनारस में पैदा हुए थे, काशी में पैदा हुए थे? और आप कहते हो उत्तर प्रदेश के भाइयों को घुसने नहीं दूंगे, तो क्या आप संत रविदास जी को भी निकाल दोगे? क्या संत रविदास जी के नाम को मिटा दोगे? क्या भाषा बोलते हो तुम लोग? इतना ही नहीं, मैं जरा पूछना चाहता हूं गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? पटना साहब में हमारे गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और आप पटना में हुआ, बिहार में हुआ, और तुम कहते हो बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे, तो क्या तुम गुरु गोविंद सिंह महाराज का पान करोगे? आप गुरु गोविंद सिंह जी का अपमान सहन करोगे क्या? जिस मिट्टी में गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लिया उस मिट्टी का अपमान करोगे क्या? जिस मिट्टी में गुरु गोविंद सिंह जी जन्म लेकर के हमारी रक्षा की उस मिट्टी के संतानों को उत्तर पंजाब में घुसने नहीं देंगे, ये भाषा का प्रयोग करोगे क्या? हालांकि अब पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का एक और बयान सामने आया है जिसमें वे कहते नजर आ रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर जनता के समक्ष पेश किया गया है। अपने बयान में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। कल से मेरे एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। प्रवासी जितने पंजाब में लोग आए हैं आज तक उन्होंने अपना खून पसीना लगाकर पंजाब को विकास के रास्ते पे तोड़ा है
और उन्होंने हमेशा विकास के लिए काम किया है, डेवलपमेंट में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, और हमारा उनसे 9 मास का रिश्ता है और प्यार है और दिल से है, इसको कोई निकाल नहीं सकता। लेकिन कुछ मेरे बयान को इन्होंने अपने तरीके से पेश किया है। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जो दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, केजरीवाल जैसे लोग बाहर से आकर खलल डालते हैं, मैंने उनके बारे में बात की है, लेकिन जो यूपी, बिहार, राजस्थान या जहाँ जहाँ से भी लोग पंजाब में हम आते हैं और पंजाब में काम करते हैं, पंजाब उनका भी उतना ही है जितना हमारा है। इसलिए इसको गलत तरीके से पेश करना सही नहीं है। मैं फिर कह दूं, प्रवासी हमारे प्यारे हैं, हम भी देश में जाकर प्रवासी हैं, बहुत सारे पंजाबी बाकी देश में काम कर रहे हैं, बहुत सारे बाहर से आकर हमारे पंजाब में काम करते हैं, उन्होंने राजमिस्त्री, फैक्ट्रियों में, कहाँ कहाँ बहुत अच्छा काम, और खेतों में हमारी खेती को उन्होंने कामयाब किया है। सो मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि केजरीवाल जैसे लोगों को अपने साथ जोड़कर मत देखें, ये लोग पंजाब में अराजकता फैलाने आए हैं, और प्रवासी पंजाब में विकास के लिए आता है।